आतापर्यंत तुम्ही अनेक म्हशी रेडे बघितले असतील मात्र सध्या एका व्ही व्ही आय पी रेड्याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे आता तुम्ही हा रेडा आणि व्ही व्ही आय पी तर हो हा रेडा व्हीव्हीआयपी पेक्षा काहीच कमी नाही आता तुम्ही म्हणत असाल असं कसं तर मित्रांनो अहमदनगर मध्ये सुरू असलेल्या कृषी प्रदर्शनात एक बारा कोटी किमतीचा रेडा दाखल झालाय ही किंमत ऐकून तुम्हाला थोडा धक्का बसला असेल हो हा रेडा त्याच्या किमतीमुळे आणि त्याच्या दिनचर्येमुळे अधिकच चर्चेत आला आहे या रेड्याचं नाव दारा असं असून त्याची दिनचर्या खानपान आणि किंमत ऐकून तुम्ही आवाक व्हाल चला तर या रेड्याची खासियत जाणून घेऊ दाराचे मालक प्रदीप सिंग चौधरी हरियाणा येथील राहिवासी आहेत शंभर किलो वजनाच्या दाराला हरियाणातून विशेष ट्रकने तीन दिवस नगरला आणण्यासाठी लागले या रेड्याला आणण्यासाठी काही लाखांचा खर्च करण्यात आल्याचं बोललं जाते दारा ची ऊंची पाँच फुट दहा इंच एवडी है तर ते वय केवल तीन वर्ष है मैं हरियाणा भिवानी जिले का रहने वाला हूँ और इस बुल का नाम इंद्र है शॉर्ट में हम इसको दारा भी पुकार लेते हैं इंद्र नाम से इसके सीमेंट स्टा हमने बनवाए हैं और डेली की इसकी फीड रूटीन की हम बात करें तो डेली ये पंद्रह के जी फीड खाता है फीड के अंदर बिनोले बिनोले की खड़ है कॉटन सीड गेहूँ का दलिया है चना है बाजरा है और सोयाबीन की चूरी है ये सब इसको मिक्स फीड बना करके मेथी हो गया उसके अंदर मिक्स फीड करके इसको खिलाते हैं डेली एक किलो गुड़ इसको खिलाया जाता है पाँच पाँच लीटर सुबह शाम इसको दूध पिलाया जाता है और पाँच किलो इसको वेजिटेबल सीजनेबल जो मार्केट में उपलब्ध है वो सीज़न की सब्जियां और फ्रूट इसको खिलाए जाते हैं और कभी कभार मंथली ओकेशनली रूटीन पे नहीं होता रूटीन में एक बवंडर होता है कि हर रोज़ इसको ड्राई फ्रूट दिया जाता है हर रोज़ ड्राई फ्रूट कोई कोई एनिमल नहीं खाएगा वो वीकली होता है कभी सप्ताह में एक बार कभी सप्ताह में दो बार आधा किलो इसको ड्राई फ्रूट खिलाया जाता है इसकी हाइट पाँच फीट दस इंच है और तीन साल की इसकी एज है किसान लोग पशु के मुँह के दांत से उसकी आयु का अंदाज़ा लगाते हैं उसकी उम्र कितनी होगी तो अभी ये चार दांत है पाँच साल का होने के बाद ये पूरा अडल्ट होगा अभी ये यंग है सकाळी चार वाजल्यापासून त्याचा दिनक्रम सुरू होतो दाराला दररोज पंधरा किलो खाद्य लागतं एक किलो गूळ पाच लिटर दूध पाच किलो भाज्या आणि फळं असा त्याचा आहार आहे जवळपास तीन लोक त्याची देखभाल करतात रुटीन मे सर इसके लिए तीन लोग घर में इसके ऊपर काम करते हैं और अभी हमारी यहाँ आठ लोगों की टीम आई हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्पेशल इन्वेस्टेशन के ऊपर हम आए हैं सर मार्केट वैल्यू की हम इसकी बात करें तो एक बात चलती है ये बारह कोटी का ये इक्कीस कोटी का ये पच्चीस कोटी का वो कोई भी हमें कैश आ के ऑफ़र नहीं करता वो इसकी स्प्रम की वैल्यू है कि एक बुल अपनी लाइफ के अंदर पंद्रह साल तक अच्छा सीमेंट स्टा देते हैं अच्छा स्प्रम देगा वो उस प्रम से कितना सीमेंट बनेगा वो उसके वैल्यूएशन को इसको कीमत माना जाता है अमूमन ऐसा बुल हरियाणा के अंदर बीस पच्चीस से तीस लाख रुपये तक मिल जाते हैं